अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 22 अप्रैल 2024 को रानी प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम रौसी पाकिस्तान विजिट करने आए थे। वहां पर पाकिस्तान और ईरान के बीच कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स साइन हुए थे जो दोनों मुल्क के लिए काफी फायदेमंद होते। लेकिन 19/5/2024 बुरो संडे को ईरानी प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम रौसी इस दुनिया से चल बसे। President Raisi and the Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian died when their helicopter crashed on Sunday. Iran's President and Foreign Minister have both died in a helicopter crash. इस हादसे के साथ ही कई सवाल उठते हैं, क्या इब्राहिम रौसी का मर्डर किया गया या ये एक हादसाती डेथ थी। हम इन सवालों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। संडे की सुबह बेल 212 हेलीकॉप्टर जिसमें प्रेसिडेंट इब्राहिम रौसी और फॉरेन मिनिस्टर मोहसिन अहमद अब्दुल्लाहन और इनके साथ 8 लोग थे, ईरानी प्राइम मिनिस्टर ईरान और अज़रबैजान के बॉर्डर पर एक डैम खोलने की सेरेमनी से वापस आ रहे थे। ये सफर लगभग 400 किलोमीटर का था, लेकिन खराब मौसम के कारण 212 हेलीकॉप्टर पहाड़ों में क्रैश हो गया। कुयरुक किस्म बुर्दा ön tarafı yine burada। जहाँ उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो जगह लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर थी। जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहाड़ फोग से घिरे हुए हैं। पहले हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर के बारे में। बेल 212 जो बेल हेलीकॉप्टर ने डेवलप किया था पहली बार 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक वर्सेटाइल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर था जो बहुत से पर्पस के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करने में, फायर फाइटिंग के तौर पर और कार्गो ले जाने में। बेल 212 काफी रिलायबल हेलीकॉप्टर रहा था। रिपोर्टर्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर का सिग्नल सिस्टम या तो ऑन नहीं था या फिर उसमें ये सिस्टम था ही नहीं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाजा नहीं लगा सकती थी और खराब मौसम के कारण ये और भी चैलेंजिंग बन गया। इस रेस्क्यू मिशन में बहुत से ड्रोन्स, डॉग्स और रेस्क्यू टीम का इस्तेमाल ईरानी मीडिया ने खुद ही जस्टिफाई किया कि खराब मौसम की वजह से ईरानी प्राइम मिनिस्टर इस दुनिया से चल बसे। बहुत सारे लोग ईरान में सड़कों पर आ गए अपने प्रेसिडेंट इब्राहिम रौसी को याद करने और उनको अलविदा कहने के लिए। टचडे को बेरजान शहर में लोग उनके पोस्टर्स और फ्लैग्स लेकर आ गए। एक दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमेनी ने तेहरान में उनके लिए फाइनल प्रेस की थी। इब्राहिम रौसी को टचडे को मशहद शहर में दफना दिया गया था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है अब सभी से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग और अल्लाह हाफिज। In Iran, power is concentrated around the supreme leader on one hand and the Iranian Revolutionary Guard on the other.